शेड्यूल कैसा रहता है, डेली रूटीन्स कैसे रहते हैं? तो ये स्टडी सर जब आप PhD में होते हैं तो आपको सोने के लिए लेट हो ही जाता है। 11:30-12 बजे बैचलर्स भी मैंने एक वहीं से किया, लेकिन मेरा मास्टर्स फिर नागपुर से हुई है। कि आपको चेक करना पड़ता है कि काफ़ी सारी थेरीज आपकी, जो आपका फाइनल ईयर चला हुआ है, बस कुछ मैंने बाकी है एक्सपेरिमेंटल वर्क। करंटली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। ऐसा होता है कि आपको एक रिक्वायरमेंट होती है UGC के, तो स्कॉलरशिप है तो जो यूनिट हम 2 पेपर पब्लिश कर ही देते हैं, या और उसके अलावा जो PhD इतनी सारे जर्नल्स होते हैं, जैसे हर उसमें पता लगेगा कि वो उसमें एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। तो उस दो तरीके से लोग काम करते हैं, जैसे जो कोर्सेस आपको साइट करने हैं, मतलब कि उतने आपने पेपर पढ़ने हैं। तो मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, सकते हो तो आप एक पेटेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 तरीके से लोग पेटेंट करते हैं, तो तब फिर आप उसका पेटेंट करोगे। दूसरी चीज़ें होती है कि एग्जिस्ट, ये जो सेकंड वाला जो कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टिकल एनालिसिस करने, काफ़ी सारे जो वर्क होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो अच्छी सारी धीरे जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये मिथ बना हुआ है कि चलो 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल। तो यस गाइस, ऑन पापा सॉरी गाइस, जानते हो गाइस, आज हम लोग हिमाचल में आ रखे हैं, सुलिनी यूनिवर्सिटी जो सोलन में पढ़ता है। और आज हम लोग गाइस, यू नो पापा सॉरी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव करियर, एंड टुडे वी विल एक्सप्लोर दी PhD एज ए अल्टरनेटिव करियर। ओके, तो सो वी विल इंटरेक्ट विद दी PhD कैंडिडेट इन दिस यूनिवर्सिटी। देखते हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे 3-4 PhD कैंडिडेट से यहाँ पे। और ये यूनिवर्सिटी है गाइस यहाँ पे, और इट्स नेम इज नेम काफ़ी यूनिक है गाइस इस यूनिवर्सिटी का, इट्स नेम इज सुलिनी यूनिवर्सिटी। तो वही है गाइस, आज हम लोग यहाँ पे PhD कैंडिडेट से बात करेंगे। जो हम लोग ने लोकेशन चूज किया है सुलिनी यूनिवर्सिटी का, माउंटेन के ऊपर एक मंदिर है इस कॉलेज कैंपस में, सुलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वहीं पे हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं PhD कैंडिडेट के साथ। तो ये है गाइस, दिस इज द वे आउट। सो गाइस, दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट, सो वी विल move forward to university and we will talk to the PhD candidate. So guys, let's see how PhD as an alternative career works, whether it is good or not, or opportunities, challenges of PhD, we will cover in this. वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट, पापा सॉरी? यस, पापा सॉरी, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड द टैगलाइन इज डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट। सो गाइस, टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट गाइस, हुज नेम इज मोनिश बिसेन, एंड उनकी जर्नी हम लोग कवर करेंगे। उन्होंने PhD किया हुआ है, तो उनका PhD जर्नी हम लोग कवर करेंगे, एज अल्टरनेटिव करियर एक कैसे हो सकता है एस्पिरेंट के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट गाइस। ओके, How are you, bro? I'm good. What about you? I'm good. तो ब्रदर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी हम लोग आपकी PhD जर्नी डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपसे पूछना था, सबसे पहले ये पूछना चाह रहा था कि आपका स्केड्यूल कैसा रहता है, डेली रूटीन्स कैसे रहते हैं? तो ये स्टडी आपका डेली रूटीन कैसा था, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग से बताइए, आप कितने बजे उठे थे? अक्सर जब आप PhD में होते हैं तो आपको सोने के लिए लेट हो ही जाता है। जैसे कई बार मैं 8 या 9 बजे तक लैब में होता हूँ, तो फिर सुबह बहुत जल्दी आप उठेंगे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो 7-7:30 बजे को मैं उठ जाता हूँ। और उसके बाद बाकी नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल रूटीन फॉलो करके फिर 9-9:30 तक हम लोग लैब आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में जो लैब होता है, एक्चुअली रिसर्चर्स का जो होता है एक लैब असाइन होता है, तो आपको वहीं पर काम करना होता है। अच्छा। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन हमारा उसी में गुजर जाता है, बस यही रूटीन होता है। फिर शाम को वही जैसे मैंने बताया, लेट हो ही जाता है पहुँचते, फिर खाना पीना पे थोड़ा सा काम होता है। तो आप करके कब सोते हो रात को? मोस्टली 11:30-12 बजे तक सो जाता हूँ मैं। अच्छा। सारे काम रैप अप करके। ओके, तो मोनिश सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाह रहा था कि आपने 10th कहाँ से किया था? मेरा 10th से लेके 12th तक की पढ़ाई गोंदिया से हुई है, महाराष्ट्र स्टेट। ओके। और बैचलर्स भी मैंने वहीं से किया, लेकिन मेरा मास्टर्स फिर नागपुर से हुआ है। और उसके बाद में मैं अलग अलग चीज़ें करता रहा, जैसे
अलग अलग हॉबीज थी मेरी। लेकिन जैसे आप मास्टर्स इंग्लिश से रहे हो? मास्टर्स मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ था। ओके। हाँ, और उसके पहले एक्चुअली मैं जॉब भी कर रहा था, मास्टर्स मैंने थोड़ा गैप लेके किया था। अच्छा। 2 years मैंने एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम किया। यू डिड जॉब? वेयर यू डिड जॉब? आई हैड एन जॉब, यस, आई हैड एन जॉब इन रुचि बायोकेमिकल्स, ओके, गोंदिया सिटी, महाराष्ट्र, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हाउ मेनी इयर्स? 2 years। 2 years, हां। आफ्टर दैट यू हैव परस्यूड मास्टर्स? यस। ओके ओके। तो यू हैव कंप्लीटेड मास्टर इन व्हिच ईयर? 2021। राइट। तो आफ्टर दैट व्हाट यू डिड? In the same year, I joined PhD in Shulin University. Shulin University. Where it is? This is the Shulin University. Yeah. It is in Solan, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Okay. Okay. PhD, you have joined? 2021. 2021, you joined. Right. So, in PhD, first year, what do you want to tell a little bit about it? First year, what do you mean? First thing, what do you mean? पी एच डी में आने के बाद ये होता है कि सारी चीज़ें आपके लिए एक नई शुरुआत होती है, कि अभी तक आपने जो भी चीज़ें थियोरेटिकल बेस पे पढ़ी है आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हो। सारी चीज़ें आपको अभी इंप्लीमेंट करनी होती है, कि आपको चेक करना पड़ता है कि काफ़ी सारी थेरीज आपकी जो आपने किताबों में पढ़ी है, काफ़ी चीज़ें आपको खुद ही आपके काम में गलत साबित हो रही होती है या फिर थोड़ी सी मॉडिफाई हो रही होती है। तो पी एच डी में शुरुआत में यही होता है कि आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो। तो आपके क्लासेस भी होते हैं? एक साल जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो आपको कितने ड्यूरेशन का कोर्स वर्क कराएंगे। उसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स एंड बेसिक ट्रेनिंग के लिए कुछ क्लासेस होती है। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर आपका ऐसे निकल गया। तो आपका पी एच डी अभी करंटली एट व्हाट स्टेज हुआ? आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई पी एच डी। मेरा फाइनल ईयर चला हुआ है, बस कुछ महीने बाकी है एक्सपेरिमेंटल वर्क के। और फिर जैसे ही एक्सपेरिमेंटल हो जाता है फिर वही थीसिस एंड ऑल। यू आर डूइंग पीएचडी ऑन व्हिच टॉपिक? मतलब करंटली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर काम चला गया। उस पर मतलब फुल पीएचडी उसी टॉपिक? जी। मोनिश सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप पीएचडी में जर्नल भी पब्लिश करना पड़ता है, तो आपने कितने जर्नल अभी तक पब्लिश कर दिए? ऐसा होता है कि आपको एक रिक्वायरमेंट होती है यूजीसी के अकॉर्डिंग, कि जैसे हम मुझे यहाँ पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो उसमें मुझे हर साल के 2 पेपर पब्लिश करने हैं एटलीस्ट, बियॉन्ड पीएचडी रिक्वायरमेंट है मेरे स्कॉलरशिप की वजह से। और जो पीएचडी के लिए आपको 2 रिसर्च पेपर एंड 1 रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करना होता है एवरी ईयर? नहीं, थ्रू आउट पीएचडी आपको 3 पेपर पब्लिश करने होते हैं। अच्छा। और अगर आपको स्कॉलरशिप है तो जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है उसके लिए आपको एडिशनल पेपर पब्लिश करने होते हैं, तो मुझे अलग से 2 पेपर पब्लिश करने पड़ते हर साल। तो ऐसे करके मेरे पीएचडी रिक्वायरमेंट के मैं हर साल 2 पेपर पब्लिश कर ही देता हूँ। या और उसके अलावा जो पीएचडी रिक्वायरमेंट के उसके मेरा 1 पेपर पब्लिश हो चुका है, रिसर्च पेपर, दूसरा मेरा इन प्रोसेस है और रिव्यू आर्टिकल भी हो चुका है, जस्ट प्रोसेस में ही है, बाकी सारे रिक्वायरमेंट में कंप्लीट हो जाएगी 2 मंथ्स में। ओके। तो आपने एक कौन से मैगजीन में पब्लिश की? काफ़ी सारे जर्नल्स होते हैं, जैसे हर पेपर के लिए आप अगर सर्च करें से एनवायरमेंटल साइंसेस के होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के होते हैं, जेनेटिक्स के होते हैं। तो मेरे अभी तक जो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर गया है वो 7.5 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर पब्लिश हुआ है। और अभी एक पेपर जो सबमिट किया है वो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, बट डिपेंड करता है कि प्रोसेस में पता लगेगा कि वो उसमें एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है, तो अभी उसके बारे में नहीं बता सकता मैं। तो ऐसी प्रोसेस होती है बस। तो आप जो पीएचडी फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप जर्नल पब्लिश करने के लिए जो टिप्स चाहिए होते हैं, जो आपने लर्निंग किया होगा क्योंकि आप फाइनल ईयर में ही हो, तो ऐसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो मतलब पब्लिकेशन में काम आता हो? मतलब आपने ऐसे क्या कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, रेफ़र किए, जिसकी वजह से आपने पब्लिश कर पाया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे 2 तरीके से लोग काम करते हैं, जैसे जो पुराने जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी अच्छे हैं, बट उनके जो तरीके हैं वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ओके। और ये आपका काम काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है, कि आपको एक पेपर लिखने के लिए मान लीजिए उसमें 100 या 120 रेफरेंसेस आपको साइट करने हैं, मतलब कि उतने आपने पेपर पढ़ने हैं और उतने पेपर आपने साइट करने हैं। तो आजकल हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको जैसे रेफरेंसिंग एंड साइटेशंस के लिए आप मेंटली यूज़ कर सकते हैं, एंड नोट यूज़ कर सकते हैं, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क, समय बचता है आपका। तो नए लोगों के लिए जितना ज़्यादा, जितने जल्दी आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है,
लिटरेचर रिव्यू के लिए आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्निक्स को जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना जल्दी आप बेटर बन जाओगे, जल्दी आपके पब्लिकेशन निकलेंगे, आपको जल्दी आपकी पीएचडी खत्म होगी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि पीएचडी में आपने कुछ पैटेंट वैटेंट भी अप्रूव हुआ है क्या आपका? जी देखिए, आप पैटेंट करना एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आप पीएचडी में हैं तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सेटअप मिल जाता है। तो मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने पहला पेटेंट अप्लाई किया था एंड वो अप्रूव हो चुका है, और सेकेंड ईयर में फिर मैंने दूसरा पेटेंट अप्लाई किया, वो भी ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, और थर्ड पेटेंट भी अप्लाई किया है। एक्चुअली पेटेंटिंग में अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल लग ही जाते हैं। तो वैसे मेरा एक पेटेंट अप्रूव हो चुका है, बट 3 पेटेंट मेरे टोटल है, इन टोटल है, जो कि बस कुछ महीनों में 100% अप्रूव्ड है समझ लीजिए। ओके मोनिश सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ पैटेंट के लिए क्या थ्री स्टेज प्रोसेस जो आप बताना चाहो? पैटेंट के लिए ना माइंडसेट ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होता है, एक आप अगर आप थोड़ा अलग सोच सकते हो तो आप एक पेटेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो तरीके से लोग पेटेंट करते हैं, एक चीज़ अगर आप कोई भी कम्प्लीटली नई चीज़ डिस्कवर करते हो तो तब फिर आप उसका पेटेंट करोगे। दूसरी चीज़ होती है कि एग्जिस्टिंग चीज़ों का अगर आप एप्लीकेशन एनहांस करते हो या तो उसकी प्रोसेस सिंप्लीफाई करते हो या फिर वो चीज़ सिंपल तरीके से काम करती है या फिर आपका टाइम बचा रही है किसी चीज़ में या फिर आप दो मशीन का इंटीग्रेशन कर रहे हो या तो फिर उसको ज़्यादा एडवांस बना रहे हो, तो ये जो सेकेंड वाला जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मोस्टली पेटेंट करना बहुत ईजी होता है जब आप सेकेंड कैटेगरी में करते हो एज कम्पेयर टू कम्प्लीटली नई चीज़ डिस्कवर करना। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे अगर आप फोकस करें तो आप बहुत हर साल एक पेटेंट आप निकाल सकते हैं अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ है, बस आपने देखना है, ध्यान देना है, और बस आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करिए। दैट्स इट। ओके, तो मोनिश सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पहले का जो पीएचडी होता था 2010 से पहले और उसके अभी 2010 के बाद काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं मार्केट में, तो आपने टेक्नोलॉजीज को कैसे मतलब अपने लाइफ में इंटीग्रेट किए जिसके वजह से आपका पीएचडी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्यूब हो चुका था? अब जितना मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि जब मैं मास्टर्स में था तो मास्टर्स में जो हमारे प्रोफेसर थे उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। मेरा मास्टर्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हुआ है, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ऐसा था कि पहली बार मुझे पता लगा कि जो चीज़ें ग्रेजुएशन में हमने बेसिक तरीके से करी है उन चीज़ों के लिए अभी मशीनें आ चुकी है, हर चीज़ें एडवांस तरीके से करी जा सकती है। तो लेकिन फिर एक चीज़ सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन हुआ पेपर लिखने का, जो मुझे सिखाया गया था वहाँ पे मेरे सीनियर्स ने एंड प्रोफेसर्स ने। तो तब मुझे पता लगा कि वो काफ़ी ही ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है, इसमें बात सही गलत की नहीं है, बस समय की, हाँ उनका वो तरीका है, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर चीज़ में लिटरली, जैसे डेटा प्रोसेस करना है, डेटा एनालाइज करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, काफ़ी सारे जो वर्क होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनुअली करते हैं। फिर मैंने कुछ पीएचडी स्कॉलर से बात करी, जो फिर कुछ नए प्रोफेसर थे जो बाहर से आए थे, कोई जर्मनी से आए थे, कोई यूएसए से आए थे, तो फिर धीरे धीरे जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते करते फिर मैंने सीखा कि चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से करी जा सकती है, टेक्नोलॉजी के साथ हम कम टाइम में काम ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा मास्टर्स था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो इट्स ऑब्वियस कि मुझे टेक्नोलॉजी में इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने तभी मुझे पीएचडी में इंटरव्यू मेरा इसीलिए क्वालिफाई हो पाया क्योंकि मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी इन सिलिको था, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे था, एंड इसलिए फिर मुझे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिली है ड्यू टू माई पब्लिश पेपर्स एंड मेरे इन सिलिको वर्क की वजह से। अगर आप टेक्नो सॉवी है, आप टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं, तो आपका पीएचडी बहुत कम टाइम में आप काम ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि पहले ये मिथ बना हुआ है कि चलो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल ही लगेंगे पीएचडी करने के लिए, तो यूजीसी के अकॉर्डिंग आप 3 साल में थीसिस सबमिट कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर होता है कि आप कितना जल्दी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी लेकिन आपका काम काफ़ी फास्ट बना देती है। तो मोनिश सर, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस पीएचडी को लेकर शेयर किया ऑन पापा स्टोरी, वो काफ़ी जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं एस्पिरेंट उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आपने काफ़ी बात की और उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से। और मैं आपको थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहूँगा कि आप पापा स्टोरी पे आए, तो थैंक यू मोनिश सर फॉर कमिंग ऑन पापा स्टोरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच।